नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपको बताऊंगा कि एडोबी पेजमेकर 7.0 के अंदर मलयालम टेक्स्ट हम लोग कैसे ऐड करते हैं। बहुत बार ऐसा हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो मलयालम टेक्स्ट या रीजनल जो लैंग्वेजेस है वो हमें कोई डिज़ाइन वगैरह बनाना पड़ता है, तो जिसमें हमें मलयालम टेक्स्ट का आवश्यकता होता है, तो हमें क्या करेंगे वो भी एडोबी पेज मेकर में अगर आपको मलयालम टेक्स्ट ऐड करना हो तो। तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसका नाम है LeapOffice 2000। देखिए ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, इसका डाउनलोड लिंक आपको नहीं मिलेगा, इसे आपको ख़रीदना पड़ता है। इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि पेज मेकर इसमें जो भी टाइप कीजिएगा, जो भी लैंग्वेज टाइप कीजिएगा, पेज मेकर उसको सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे LeapOffice 2000 में यहाँ पे जो मेनू बार है यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, लैंग्वेज में जाइएगा, थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे देखिए मलयालम, यहाँ पे लैंग्वेज के मेनू में यहाँ पे टेक्स्ट में जाने के बाद लैंग्वेज में जाना होता है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं मलयालम। जैसे ही मलयालम में क्लिक करेंगे यहाँ पे उसका देखिए कीबोर्ड यहाँ पे आपको शो करेगा मलयालम का, जो भी यहाँ पे लेटेस्ट वगैरह आपको शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है, इतना मुझे पता है कि ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ मलयालम, तो इसको अगर मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ तो देखिए मलयालम यहाँ पे आ गया। अब इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे देखिए मलयालम के लिए MLTT कार्तिका नाम का जो फॉन्ट है सपोर्ट करता है, इसका साइज़ भी आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मलयालम टेक्स्ट है मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से LeapOffice से, ये मैंने कॉपी किया। उसके बाद पेज मेकर में जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा एक्चुअल साइज़ कर दिया मैंने, उसके बाद हैंड टूल से पेज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, उसके बाद टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे और एक टेक्स्ट ब्लॉक मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद एडिट में जाके इसे पेस्ट कर देंगे। यह देखिए यहाँ पे मलयालम टेक्स्ट मेरा ऑलरेडी यहाँ पे आ गया। इट्स वेरी सिंपल है, बहुत आसान है। यहाँ पे बहुत सारे मलयालम जो भी आपको लिखना है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी दिए हुए हैं जो अगर आपको सीखना है तो यहाँ से आप देख देख के सीख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा, इसे आप देख के सीख सकते हैं। प्लस यहाँ पे देखिए जो भी आपको चाहिए, यहाँ पे जो अक्षर है सब दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये सारे अक्षर दिए हुए हैं, तो आपको जो भी चाहिए यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, वो वर्ड यहाँ पे अक्षर यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं ये सारे अक्षर यहाँ पे आ जाएगा। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, सिंपली इसे सिलेक्ट करना है, इसे राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आप पेज मेकर में जाइए और यहाँ पे एडिट में जाके आप इसे पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली जब पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो कंट्रोल पैलेट है वो फॉन्ट का नाम भी यहाँ पे शो करेगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। एक बार और देख लेते हैं, ये LeapOffice में हम लोग जाते हैं, जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे जितने सारे अक्षर है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे शिफ्ट दबा के भी आपको जो बाकी अक्षर नहीं मिल रहे हैं तो आप यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे ये सारे अक्षर यहाँ पे शो कर रहा है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपली इसे सिलेक्ट करना है, इस तरह सिलेक्ट करने के बाद इसे राइट क्लिक करके आप इसे कॉपी कर सकते हैं। प्लस यहाँ से आप सीख भी सकते हैं, यहाँ पे सैम्पल वर्ड लिस्ट दिया हुआ है कैसे टाइप करेंगे, यहाँ पे सारा वर्ड्स देख के जिसे मलयालम आता है वो लोग देख के भी इसे समझ जाएंगे, सीख पाएंगे। बहुत ही सिंपल है, कॉपी करने के बाद पेज मेकर में जाइए, उसके बाद एडिट में जाके इसे पेस्ट कर दीजिए। सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो इस तरह हम लोग मलयालम टेक्स्ट पेज मेकर में ऐड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये जो LeapOffice सॉफ्टवेयर है ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, आपको डाउनलोड लिंक नहीं मिलेगा, इसको आपको ख़रीदना पड़ता है। और आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।